समय की बात है। लखना नाम का एक गांव था। इस गांव के लोग बहुत अच्छे थे। जब भी कोई नया गांव में रहने के लिए आता तो गांव के लोग उसकी मदद करते थे, जिसके कारण उस नए आदमी की गांव के लोगों के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती थी। इसलिए इस गांव के लोगों का बहुत नाम था। इस गांव के लोग भी सच में अच्छे थे। गांव के लोगों का आपस में बहुत प्यार था। हमेशा मुसीबत के समय पर एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। लोग एक दूसरे की पैसे से भी मदद करते थे। एक दिन गांव के लोगों ने सोचा, क्यों ना गांव में एक मंदिर बनवाया जाए। गांव के सब लोगों ने मिलकर पैसा जमा किया और एक बढ़िया मंदिर बनवा दिया। गांव के सभी लोग मंदिर को देखकर बहुत खुश हुए। गांव के सभी लोग उस मंदिर में पूजा करने के लिए सुबह जाते थे। गांव के लोग आपस में सभी त्योहारों को मिलकर मनाते थे। गांव के लोगों में आपस में भेदभाव भी नहीं था। इस तरह से गांव के लोगों की जिंदगी चल रही थी। एक दिन गांव में एक परिवार रहने के लिए आया। गांव के लोगों ने उनका अच्छे से स्वागत किया, उनके घर ढूंढने में मदद की, जिससे उनको किराए पर घर जल्दी ही मिल गया। इस नए परिवार ने गांव के लोगों को धन्यवाद कहा। इस परिवार की गांव के लोगों के साथ अच्छी दोस्ती हो गई। सब लोगों ने आपस में बात की और सब अपने अपने घर चल दिए। इस नए परिवार में तीन लोग थे। मनोज घर का मुखिया था। वह खेती करके अपना गुजारा चलाता था। वह बहुत अच्छा और नेक दिल का इंसान था। कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाता था। वह मेहनती इंसान होने के साथ साथ हमेशा सच बोलता था। मोहिनी उसकी पत्नी का नाम था। वह एक साफ दिल की औरत थी। उसने घर और अपने परिवार को अच्छे से संभाल के रखा था। उनकी एक 5 साल की छोटी बच्ची थी। उसका नाम मोना था। वह बहुत चंचल थी। वह अपने पापा और मम्मी से बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही इस परिवार की जिंदगी अच्छे से चलने लगी। हमेशा माँ और पिता दोनों ही हाथ पकड़कर उसको मंदिर ले जाते थे। मंदिर जाने के बाद उसको पूजा करना सिखाते थे। कुछ दिनों के बाद वह अकेली ही मंदिर में पूजा करने के लिए जाने लगी। उस छोटी बच्ची का अपने पापा के साथ कुछ ज्यादा ही लगाव था। उसके पापा उसके लिए खिलौने लेकर आते थे, इसलिए अपने पापा को बहुत मानती थी। दोनों में प्यार भी बहुत था। ऐसे ही उनकी जिंदगी चलने लगी। बाप बेटी के प्यार के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। एक बार बाप और बेटी दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर गांव के खेतों में जा रहे थे। बेटी ने अपने पापा का हाथ पकड़ के रखा था। तभी बेटी ने बोला, पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। पापा ने बोला, बेटा आप मेरा हाथ पकड़ो या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं, बात एक ही है। तब बेटी बोली, पापा मेरा हाथ तो छूट सकता है, लेकिन चाहे जो हो जाए आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। यह बात सुनकर पिता के आंख आंसू से भर गए। उसके बाद पिता ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया। तब अचानक से बेटी गिरने वाली ही थी, पिता ने उसको गिरने से बचा लिया। दोनों ही बाप बेटी चलकर अपने घर आ गए। मनोज ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। मोहिनी का दिल भर आया अपनी बेटी की बात सुनकर। उसने भी अपनी बेटी को गले से लगा लिए। इस तरह पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा देंगे तो वो भी अपने जीवन में वैसे ही आचरण करेंगे। अच्छी शिक्षा हमेशा बच्चों को एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है, इसलिए हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। बच्चे मासूम होते हैं, आप जो सिखाओगे बच्चे वही सीखते हैं। इस कहानी में आपने देखा कि पिता अपनी बच्ची को बहुत प्यार करता है, उसी तरह बच्ची भी अपने पिता को उतना ही प्यार करती है।
बढ़िया शिक्षा बच्चों को एक बढ़िया इंसान बनने में मदद करता है।